बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतरते होंगे रहमत के फरिश्ते आसमानों से, उतरते होंगे रहमत के फरिश्ते आसमानों से, खुदा का नूर होगा रोज़े खैरुल वरा होगा, वो नखलिस्तान मक्का व मदीने की गुज़रगाहें, कहीं नूरे नबी होगा तो कहीं नूरे खुदा होगा। वो ताइफ का बाज़ार अल्लाहु अकबर के चारों तरफ से बरसते थे पत्थर, लहू जिसमें अतहर से बहता था, लेकिन दुआ के लिए हाथ उठाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले रियासत कर्नाटक की मारूफ मिल्ली शख्सियत, जिनको पूरे रियासत के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में आलम पाशा के नाम से जाना जाता है, ये वो शख्सियत है जो मिल्लत का दर्द फिकर तड़प रखकर, अपने कारोबार तिजारत बिजनेस को बाजू रखकर, जब भी मिल्लत पर कोई आफत आई है, परेशानी आई है, तो उन्होंने सबको दूर रखते हुए ऐसी आग में कूद पड़ते हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन नज़र आता है। ऐसे मसाइल लेकर मीडिया के सामने, हुकूमत के सामने, क़ानून के सामने, कोर्टों के सामने वो हाजिर होते हैं। ऐसा बेबाक निडर समाजी खिदमत गुज़ार शहर बेंगलोर में वाहिद नज़र आता है। चाहे जितने भी मसाइल बेंगलोर के अंदर हुए हैं, हर मसाइल में खुलकर आए, अपना तन मन धन सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। मैं मीडिया से ये बात बताना चाहता हूँ, कर्नाटका हज कमेटी 8000 अलाटमेंट हुआ इसका, 7300 आदमी जा सके, कुछ लोग इस वास्ते नहीं जा सके, वक्त पर उन्होंने पेमेंट नहीं कर सके। ये बार का कोटा अच्छा रहा, हज का सफ़र भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा। ऐसे बिल्डिंग्स दिए जाते हैं जो कोरमंगला जैसा इलाके से भी हाईटेक एरिया में अजीज़िया आता है, अजीज़िया में रूम्स जो दिए जाते हैं, उस रूम में 4-5 आदमी रहते हैं, खुद का घर का खाना पका कर खाते हैं, तकरीबन 30 दिन वहाँ रहना पड़ता है। सफ़र बिल्कुल सस्ता, 3,20,000 में हम जाकर आए। मैंने आने के बाद सुना कि प्राइवेट टूर्स 10 लाख, 9 लाख, 11 लाख, 12 लाख तक जाते हैं। मेरी तमाम मीडिया से अपील इस बात की, मैं
आलम पाशा साहब से इजाज़त लेते हुए ये कहना चाहता हूँ कि कर्नाटका से जो हज कमेटी है उसका सफ़र सस्ता है, अच्छा है और बहुत उम्दा और बहुत आसानियाँ हैं उसमें, क्योंकि मैं ख़ुद प्रैक्टिकल आदमी हूँ। तुम 10 लाख 12 लाख देकर प्राइवेट में जाने से तुम ना क्या फ़ायदा होता है, एक हरम के करीब तुम ना होटल्स मिलती, 3 वक्त का खाना मिलता, उसके लिए आप 10-12 लाख रुपए क्यों देते हैं? 3 लाख 4 लाख में आपका सफ़र हो जाता है, ख़ानदान के 2 फर्द को आप मुफ्त बुला लेकर जा सकती हैं, वो सारी ज़िंदगी वो सवाब जारिया आप लोगों के साथ रहे। प्राइवेट का ख्याल छोड़कर कर्नाटका हज कमेटी से जाए, और आलम पाशा से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे मिल्ली कायदीन से मिलकर, इस बार 8,000 का कोटा हुआ, आइंदा 15,000 का कोटा बनाए, हर गरीब जाए, और हो सके तो कर्नाटका सरकार से मेरी गुजारिश कि सब्सिडी कर्नाटका सरकार कुछ दे, क्योंकि हर गरीब की ख्वाहिश जाने की होती है। मैं फिर से एक बार आलम पाशा साहब का शुक्रगुजार हूँ, उनका ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि 7,300 हाजियों में से आपने मुझे चुना, चुनकर एजाज़ दिया, और मीडिया वालों के सामने मेरी हौसला अफजाई, इज़्ज़त अफजाई आपने की है, अल्लाह ताला इसका अजर आपको बहुत ज़्यादा देगा, क्योंकि हाजी के इश्क में आपने इतनी बड़ी महफिल सजाई है। जहराना का इंतज़ाम, हमारे मीडिया वालों का इंतज़ाम, ये सब आप दिल से करते हैं, जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं, और बिलखुसूस मैंने काबतुल्ला में फजर के बाद जाकर बैठकर तवाफ़े काबा करने के बाद 1 घंटा मैं काबे के करीब बैठा, और जिन जिन लोगों के व्हाट्सएप पर दुआओं के दरख्वास्त, उनके नाम पूरे लिखकर मैं अल्लाह से दरख्वास्त करता, और बिलखुसूस कर्नाटक के, बेंगलुरु के, कोलार के यूट्यूब चैनलों के लिए मैंने बहुत दुआ की है, अल्लाह ताला कबूल करेगा, आपका मुस्तकबिल रोशन भी होगा, आपको मालूम ही नहीं होगा, ज़रिए ऐसे बनकर आएंगे कि आप खुद सोचने में लग जाएंगे। ज़राए माश के लिए मैंने दुआ की है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं बेदारी है, ये कौम के लिए बेदारी है, कौम को उठाने का काम कर रहे हैं, हालात हाजिरा को आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, बहुत बड़ी खिदमत है। हमारे कायदीन अगर समझेंगे तो मैं समझता हूँ हर कायद आपको एक सपोर्ट दे सकता है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, इतना रोज़ाना 4-4 5-5 वीडियो यूट्यूब चैनल में आते हैं, मख्तलिफ मसाइल हमारे सामने, मख्तलिफ इदारों के खिदमत हमारे सामने, इतनी बड़ी खिदमत करते हैं, आपको यूट्यूब चैनल वालों को आलम पाशा साहब ने गले लगा लिया है, ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है, इनका मैं क्या बोलूँ, एक दानी सखी जो बोलती हूँ वो टाइप के इंसान हैं। मेरे पास तो अल्फाज नहीं आलम पाशा साहब, ये एक मस्जिद में एजाज़ हुआ था, दूसरा एजाज़ आप खुद अपने सरफ़ ख़ास से घर पर कराए हैं, इसके लिए मैं बहुत मशकूर ममनून रहूँगा हमेशा आपका।